Assalamu alaikum everyone. So after a long time we are back and now review karne ja rahe hain Itel 5026 ka. So ye keypad wala mobile phone hai, ye bhi customer ki requirement thi, to ab hum isko check kara dete hain. Yahan pe samne branding mein ye mobile likha hua hai, mobile bana hua hai isme aur same body design likha hua hai aur ye iska model number Itel ki branding mein bhi pretty approved ka sticker laga hua hai. Is taraf dekh lete to inke ye jo gadgets hain sare in gadgets ki jo na images bani hui hain, plus yahan par agar hum dekhen to isme real camera और जो है ना बैटरी एम एच लिखा हुआ है, सुपर बैटरी मूड लिखा हुआ है, फेसबुक वेब ब्राउजर वायरलेस एफएम और 32 MB प्लस 32 MB मतलब रैम एंड रोम है एंड आप उसको अप्रूव कर सकते हैं 32 GB तक, मतलब उसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट जो है वो 32 GB तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं. तो ये चलो इसी करते हैं, अनबॉक्सिंग में देखते हैं कि जो है ना ये किस तरह का मोबाइल फोन है. ये जिस कंपनी का ये मैं सिम का जो है ना वो है, ये वारंटी सेंटर है ये वाला. तो मैंने कर दिया साइड में और अब यहाँ से इसकी सील जो है इसको कर लेते हैं, ब्रो कर लेते हैं यहाँ से इसकी सील. सील हो चुकी है ब्रो. अब इसको जो है ना थैंक यू फॉर चूजिंग Itel फैमिली प्रोडक्ट. तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है ना ये इसका प्रोडक्ट है और ये जो पैकिंग है ना वो बाहर से बड़ी प्रीमियम अच्छी लग रही है, अंदर से गत्ते वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल ही. वैसे तो हर पैकिंग गत्ते का ही होता है लेकिन वाइट कलर का होता है ये थोड़ा सा जो है ना हर पैकिंग छोड़ा. हम मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो आइए हम आप डिवाइस देख लेते हैं. तो डिवाइस मशीन से बहुत अच्छी है, बेहतरीन है और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये डिवाइस है इसकी और ये कैसे मास्टर से बेहतरीन खूबसूरत डिवाइस है. अगर हम इसको चारों तरफ से देखें तो कलर इसका बहुत अच्छा ब्लू कलर में है, लाइट है ये, इसमें इस तरह से लिखा हुआ भी है तमाम चीज़ें. यहाँ पे जो है ना स्मार्टफोन की लुकिंग का एक कैमरा दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे छोटी सी टॉर्च लाइट है, ये इसका स्पीकर है, इसकी बैटरी टाइमिंग वगैरह है. तो इसकी इसका आप और भी चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर क्या. सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से, इसको मैंने ये मैंने सब कवर निकाल दिया, अब मैं इसको चिपका देता हूँ यहाँ पर. अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इसके साथ एक दिया हुआ हैंड फ्री, ये इसकी हैंड फ्री है यहाँ पर जो कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे ही है, मतलब कोई खास नहीं, नॉर्मल क्वालिटी की जैसी होती है. और ये इसका स्पेशल जो है ना पता नहीं कितने हाई 5 वोल्ट का इसका चार्जर दिया हुआ है. इसका जैक मुझे बड़ा पसंद आया, जैक बहुत अच्छा दिया हुआ है इसका. और ये इसका जो है नॉर्मल सा चार्जर है. ये चलिए चार्जर को भी देख ही लेते हैं कि किस तरह का जो है ना चार्जर ये रहता है. तो इसको मैं अनवैप कर लिया. यहाँ पर अगर हम देखें तो कैमरा को सुन कर ये चार्जर है, अगर मैं खुद देख कर बताऊँ तो ये सिर्फ और सिर्फ ये आउटपुट जो है ना 1 एम्पेयर भी नहीं है पूरा. ये इसका यहाँ पे जूम नहीं हो रहा, ये 950 mA है. ये देखिए आप देख सकते हैं आउटपुट 5 एम्पेयर लिखा हुआ है और 950 mA लिखा हुआ है. ये पूरा 1 एम्पेयर भी नहीं है, 1 एम्पेयर से भी कम है ये. बाकी इसके सब इसके यहाँ पे जो है ना ये इसकी बैटरी दी हुई है, इसके वारंटी कार्ड वगैरह दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं. बैटरी निकालते हैं बैटरी को भी अच्छी तरह से हम देखें तो 1200 mAh की इसकी बैटरी है. तो ये देखो ये इसका जो है ना SIM नंबर 1, SIM नंबर 2, मेमोरी कार्ड स्लॉट और ये इसका एंटीना बाहर दिया हुआ है. माइक्रो यूएसबी की जैक, हैंड फ्री का जैक इसमें दिया हुआ है, ऊपर की तरफ टॉर्च लाइट दी हुई है, ये स्पीकर की यहाँ पे ग्रिल दी हुई है, स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है, साइडों से भी आप इसको देख सकते हैं. तो अब मैं इसमें बैटरी लगाता हूँ और फिर हम इसको चेक करते हैं. ये स्लिम स्मार्ट खूबसूरत प्रीमियम लुकिंग मैन कैमरे में शायद आपको इतना नहीं फील हो रहा होगा लेकिन मुझे हैंड फील इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. पर्सनली मुझे मोबाइल फोन बहुत पसंद आया और इसके मेन्यू में चलकर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है. आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज की इसकी मेमोरी में आपको दिखा देता हूँ. नहीं इसमें एक सेटिंग्स में गए देखिए, इसमें दोनों स्टोरेज भी शो हो रहा है फ़ोन या सिम और इसमें मेमोरी शो नहीं हो रही. मेमोरी अगर इसमें शो होती तो मैं आपको मेमोरी भी दिखा देता हूँ, मेमोरी शो नहीं हो रही इसमें. अब आज चले इसकी SMS टाइपिंग देख लेते हैं.
बेस्ट टाइपिंग है, बिल्कुल स्पीड में मोबाइल चलाओ, बिल्कुल इसकी कीबोर्ड की टाइमिंग, वो टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत अच्छी है। प्लस ये है कि सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आवाज़ नहीं है बिल्कुल, आप जितनी भी स्पीड में टाइपिंग कर लें आवाज़ बिल्कुल नहीं है इसकी माशा से, बहुत अच्छा मोबाइल मुझे बड़ा पसंद है। यहाँ पे आप देख सकते हो वायरलेस एफएम का भी बटन दिया हुआ है, इस तरह म्यूजिक का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे टॉर्च का बटन दिया हुआ है, मोबाइल मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया। तो आइए चलो इसका थोड़ा सा मैं कैमरा देख लेता हूँ कि कैमरा इसका किस तरह का है। वैसे तो जैसे मेमोरी कार्ड लगा हुआ नहीं तो कैमरा आपको इतना अच्छा शो हुआ है, तो एक तस्वीर इसमें शो हो गई, मैं पहले करता हूँ डिलीट। और अब जो इसकी वारंटी कार्ड है ये इसका, इसकी तस्वीर ले लेता हूँ। तो ये इमेज इसमें सेफ हुई है और तकरीबन इसमें सही समझ में आ रहा है, मतलब ये नॉर्मल रिजल्ट है, ऐसा होता है फीचर फ़ोन है तो इतना कोई खास रिजल्ट होता नहीं है मोबाइल फ़ोन का। दूसरा कॉल डायरेक्टरी वगैरह देख लेते हैं, इसका मेन्यू आ गया और ऐसे मैं इसका सिस्टम दिखा चुका हूँ, कॉन्टैक्ट में चेक कर लेते कितनी मेमोरी है इसकी। 2000 तक की आप जो है इसमें कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग इसकी जो है स्टोरेज है, इतनी मुझे बड़ा पसंद आया इसकी स्टोरेज के, 2000 तक की जो है आप इसमें मेमोरी कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हैं। प्लस एफ एम पे चले जाते हैं तो एफ एम आप देख रहे हैं, अभी सर्चिंग कर रही है, बहुत अच्छी है अभी इसमें सिग्नल वगैरह तो पकड़ने आई जोन में देख लेते क्या इंटरनेट है, फेसबुक है, कैलकुलेटर है और सब, इसमें कुछ ब्राउजर्स वगैरह इसके दिए हुए हैं, प्रोफाइल दी हुई है इसमें, सेटिंग्स में चल के देखते हैं कि इसकी जो है टूल वगैरह कैसी है। ये इसका कंट्रास्ट दिया हुआ है, कंट्रास्ट का ऑप्शन इसमें बहुत अच्छा है, टाइमिंग दी हुई है इसकी, इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट कम कर लेता हूँ मैं। ये देखिए इसकी टॉर्च आ गई, टॉर्च ऑन करके देख लेते हैं, टॉर्च लाइट इसकी बहुत अच्छी तेज़ है, बिल्कुल सिंगल लाइट छोटी सी लेकिन इतनी लाइट में भी जो है बहुत अच्छा इसकी रोशनी आ गई है, इसकी टॉर्च बहुत अच्छी है। सुपर डी ऑफ के कैलेंडर देख लेते हैं, कैलकुलेटर देख लेते हैं, ब्लूटूथ आ गया आपका, ब्लूटूथ आप चीज़ें भी जो है लोगों को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इसमें। इसका फाइल मैनेजर आ गया है, इसमें इसमें 32 MB के करीब इसमें मेमोरी है। ये इसका ऑडियो प्लेयर आ गया, वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, साउंड रिकॉर्डिंग, इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, इसमें रिकॉर्डिंग लिस्ट आ गई आपकी, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी है, अगर आप इसको कॉल रिकॉर्ड करना चाहें तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इजीली। फाइल फॉर्मेट भी इसमें दिया हुआ है तो कौन सा आप जो है ना रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्टोरेज भी दिया हुआ है इसमें कि स्टोरेज कौन सी है। तो होप भी आपको हमारा ये जो छोटा सा रिव्यू है पसंद आया होगा, यहाँ से बटन दबाने पर डायलेक्ट और यहाँ से बटन दबाने पर आपका ये आ गया, आपका साउंड आ गया, वीडियो प्लेयर आ गया, ये इसको दबा करके बटन लाइट ऑन हो जाएगी। सुपर बैटरी मोड का ऑप्शन, अगर आप सुपर बैटरी मोड ऑन कर देंगे तो टर्न ऑन सेवर ऑन हो जाएगा इसका, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल मोबाइल का रिव्यू मैंने आपको दे दिया, तो बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन है, बेहतरीन है, पीटी अप्रूव है और इस तरह भी एक डेडिकेटेड यहाँ पे एक माइक दिया हुआ है, आई थिंक ये यहाँ पर नहीं होगा माइक, इसका माइक दिया हुआ बहुत अच्छा है क्योंकि इंसान जब कान से फोन को लगा दे तो इसी तरफ इसका माउथ होता है मोस्टली, तो ये माइक की पोजिशन भी इनकी बहुत अच्छी है। तो आई होप आपको मोबाइल फ़ोन बहुत पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेबसाइट पर मैं इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन प्रॉपरली अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।